हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की पॉलिटी का थर्ड चैप्टर का लास्ट वीडियो और आपकी कंप्लीट हो जाएगी पॉलिटी। और इसके साथ ही टेस्ट जो आपके हिस्ट्री के लिए जा चुके हैं, 3 टेस्ट यदि आपने नहीं दिए हैं तो उनको देखिएगा प्लेलिस्ट में। जो 3 टेस्ट हैं आपके 6th क्लास के, 7th क्लास के, 8th क्लास के और 9th क्लास के, 4 टेस्ट आपके लिए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपका 10th क्लास का होगा, तो आप तैयारी जो है वो अपना रखिएगा। हिस्ट्री के 10th क्लास का आपका टेस्ट लिया जाएगा कल या आपका उसके नेक्स्ट डे ले लिया जाएगा। तो कई बच्चे कह रहे थे कि रिवीजन कैसे होगी, रिवीजन इसी तरीके से होगी। टेस्ट का, टेस्ट जो है वो एक माध्यम होता है याद कराने का, तो याद इसी तरीके से किया जाएगा। आप वीडियो 2-3 बार रिवाइज करिए, ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। क्वेश्चन यही होते हैं, बस थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिए जाएंगे। ऑप्शन होते हैं इसीलिए वहां कंफ्यूजन होता है। यदि हमें उत्तर सही पता होगा तो कोई भी ऑप्शन होगा हम गलत टिक नहीं करेंगे, सही उत्तर को ही टिक करेंगे। उसके बाद आपकी जैसे ही पॉलिटी आपकी पूरी होती है और नेक्स्ट कल से हम साइकोलॉजी जो हमारी अधूरी छूट गई थी हम स्टार्ट करेंगे, और इस जनवरी के एंड तक आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। टाइम रहते ही हम सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1, आज हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो ये आंसर है अनुच्छेद 214 के तहत, यह है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, अनुच्छेद 214। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किए गए? भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किए गए? इसका आंसर है 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाईकोर्ट स्थापित किए गए। देखिए अंग्रेजों के टाइम की ही बात है, जब अंग्रेजों ने जो 3 प्रेसिडेंसी बना रखी थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, तो उन्होंने उच्च न्यायालय जो है स्थापित किए 1862 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा हाईकोर्ट जो है 1862 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए गए थे? सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय का गठन किनसे मिलकर होता है? उच्च न्यायालय का गठन किनसे मिलकर होता है? तो इसका सही उत्तर है मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनसे मिलकर ही उच्च न्यायालय का गठन होता है। उच्च न्यायालय का गठन किनसे मिलकर होता है? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर उच्च न्यायालय का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करते हैं, तो कौन निर्धारित करते हैं? हमें पता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? जब हमने राष्ट्रपति टॉपिक देखा था वहां हमने अच्छे से समझा था कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो यहां आंसर होगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 क या अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करते हैं? तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। ठीक है, याद रखना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम और राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। कॉलेजियम जो है वो हम पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। तो कौन कर रहे हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, और किसका परामर्श ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम और राज्यपाल से ले रहे हैं। लेकिन वहीं अन्य न्यायाधीशों की यदि बात करें तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और राज्यपाल, इनके परामर्श से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यताएं किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? किस अनुच्छेद में वर्णित है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? इसका आंसर है अनुच्छेद 217(2), यानी अनुच्छेद 217(ख) में हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यताएं मिलती हैं। और अनुच्छेद 217(क) में हमें मिलता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उच्च न्यायालय न्यायाधीश द्वारा शपथ लेना किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय न्यायाधीश द्वारा शपथ लेना किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ शपथ की बात है तो अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 219 में हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ लेना जो है वह उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसफर है सो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, और वो अनुच्छेद है 222। ठीक है, और एक और चीज आपको याद रखनी है कि अनुच्छेद 219 में जो शपथ का प्रावधान है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ही शपथ लेगा। इसे आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 219 के तहत तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ही शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनके वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी, तो यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 221 में। ठीक है, अनुच्छेद 221 में है वेतन संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद किस न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता? यहाँ देखिए बहुत अच्छे से समझिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यदि अवकाश ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद किस न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है कि वह उस न्यायालय में नहीं कर सकता है प्रैक्टिस जिसका वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, उसके अलावा वह प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र एवं शक्तियां कौन सी हैं? उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र एवं शक्तियां कौन सी हैं? तो इसका आंसर है, देखिए, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये शक्ति उच्च न्यायालय की है। रीट के बारे हम जान चुके हैं, रीट अधिकारिता, यह भी उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, एक एक चीजें जो है वो हम पढ़ भी चुके हैं। अभिलेख, न्यायालय और प्रशासन संबंधी शक्तियां, यह भी उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। और न्यायिक पुनरावलोकन जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधीन आता है, कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो उच्च न्यायालय का, उसमें क्या है कि संसद या राज्य विधानमंडल सदस्यों के जो निर्वाचन संबंधी विवाद है, राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद है, मौलिक अधिकार है, कंपनी वसीयत, विवाह संबंधी कानून, ये सभी जो अधिकार है ये मूल अधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है जो उच्च न्यायालय के हैं। रिट अधिकारिता क्या है? रिट जो कि यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जिसमें वो केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है। और यदि हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरीके की रिट जारी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा। उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार की यदि बात करें तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में 2 हैं, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार और आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या, जैसे कि इनकम टैक्स, जो पेटेंट, ये संबंधी मामले जो हैं वो सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और उच्च न्यायालय के अधीन है ये। और यदि आपराधिक की बात करें तो उसमें आएंगे जैसे दंड हो गया, कारावास हो गया, ये सभी। नेक्स्ट जो अभिलेख न्यायालय है, जो अभिलेख न्यायालय है उसमें अनुच्छेद 215 के तहत
की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति जो है वह उच्च न्यायालय को है। यदि उच्च न्यायालय जो है उसके निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाते हैं, जो कि अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, उच्च न्यायालय के जो नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, उनके लिए वो कानून की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, याद रखना है। और हाईकोर्ट के निर्णयों को जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिला न्यायालय होता है, उसको मानना ही पड़ता है। लास्ट आपका है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही यह शक्ति प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पर मेन जो चीज है वो आपको ये याद रखनी है कि जो रिट अधिकारिता है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के लिए रिट कौन जारी करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, वो केवल मौलिक अधिकारों के लिए, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो 5 तरीके की रिट जो है वो जारी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या हैं? तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं हैं भारत का नागरिक हो, इसके अलावा उम्र जो है, विशेषकर हमें उम्र पर ध्यान देना होता है, यहीं से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? अब इसका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। देखिए याद रखना है राज्यपाल। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। लेकिन हर राज्य में जाकर शपथ दिलाना यह कार्य जो है वो राष्ट्रपति नहीं कर पाएंगे, इसीलिए राज्यपाल जो है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। इसके साथ ही आपकी पॉलिटी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके टेस्ट के साथ। थैंक यू।